गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है कालका जी के मंदिर से। अब हम सुबह सुबह, मतलब मैंने पापा का बस अब लंच बना दिया और हम अब निकलने वाले कालका जी मंदिर के लिए। बस पता नहीं क्यों अचानक ही ऐसा मन कर गया कि कालका जी मंदिर जाते हैं, बहुत दिन हो गए हमें गए। तो आज का मेरा ब्लॉग रहेगा कालका जी मंदिर का, आप ज़रूर देखना और कालका जी माता के दर्शन भी करना। फ्रेंड्स, हम मंदिर पहुंच गए हैं। चलो आगे। अपने कैसा लगा मुझे? नहीं, एक बार तो बोल रही थी कि मैं नहीं जा रही, लेकिन शायद माता रानी अपने को बुला रही है ना, तो जब भी फटाफट नहा लिया तैयार हो गई। श्री राम के पूरा
तो फ्रेंड्स सब पूजा करके हम निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर से, सब पीछे आने लग रहे हैं ऐसे। नवरात्रों में पूरा मंदिर पूरा भरा रहता है और इतनी भीड़ रहती है मंदिर में। ये तो सही है, कितना का ले ली? क्या है क्या लिया है दिशु? सब नहीं लिया है। रियांश के लिए कुछ और देख लेंगे ना। ठीक है, तीन माह के पैसे का हो किसी में पहन लो आपकी मर्जी। हाँ भैया, पैसे का और डिजाइन आगे बढ़ी। फ्रेंड्स इतनी भूख लग रही थी, हम आ गए इधर छोले भटूरे खाने। दीशु ठंडे हो जाएंगे, आ जाओ। आओ अमनी, इधर अमनी तू इधर आ जा, ले लिया इसमें डाल। अरे वो उसके लड़के बैठो, आप इधर बैठ जाओ। फ्रेंड्स हम मंदिर से निकल गए, अब ऑटो लिया अब हमने। इस भैया को यहीं छोड़ दो। तुम भैया तुम ऑर्डर किराए ले लियो। कभी फिर वो उसकी तरह मंदी की तरह आगे ले जाओ। आप सही कह रहे हो, फिर पीछे है वो बोलता खोल बोल दीजिए भाई। भाई छोड़ अपने से बुलवा ले, ये आगे ले जाती है बुआ। इस जाम में आ, हाँ हाँ पता है, कोई बता कर किस जाम में जा रहे हैं। ये लो लिया। हाँ तो फ्रेंड्स हम घर पे पहुंच गए अब। नहीं नहीं मैं नहीं लूंगी, सारा छिड़ गई। क्यों उसके
फ्रेंड्स बस अब घर पे आके चाय वगैरह पिए और अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। रियांश को तो हम लेके नहीं गए थे, उसको पता भी नहीं कि हम कालका जी गए हैं। बस अब फटाफट उठाया वो, तो मैं उसके लिए भी बनाऊँ तो फटाफट कुछ भी। मेरे यहाँ आटा भी रेडी हो गया, अब मैं रोटी बना लेती हूँ। सब्जी तो मैं बना के गई थी पर बच्चे बोल रहे हैं कि सब्जी नहीं खानी, पिज़्ज़ा खाना है, रोटी पिज़्ज़ा खाना है, तो उनके लिए अब रोटी पिज़्ज़ा बनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अब शाम हो गई है, शाम के 6:05 हो गए हैं ये देखिए। और अब मेरा बस क्या रह गया, बर्तन पड़े हैं और यहाँ मेरी मटर पनीर बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट बनी गई, बस थोड़ा सा उबाल आना बाकी है। और मेरी मटर पनीर भी बन गई और रियांश ने फ्राइज खाए, अभी भी कह रही मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो उसके लिए भी फ्राइज बनाए थे। बस अब मैं बर्तन क्लीन और कर देती हूँ, तो पानी खुला छोड़ के चला गया। बस बर्तन क्लीन करके फिर तो आटा वगैरह बनाना रह जाएगा और रोटी रह जाएगी। और आज तो मैंने अपनी सब्जी भी जल्दी बना ली, पतीले में ही सीख ले ली और ऊपर बूरा रखती हूँ। दूध भी उबल गया, देख लो आपका थैली को बाद में। बताओ तेरे भाई ने क्या कहा था, मेरा ना थैली का दूध उबाल कर मुझे गाय का मत दिया था, मैं खुद उबाल लूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, कभी एक दिन भी मदद ना करी, काम बढ़वा दिया। बोली ऐसे रहा था बोलो इसीलिए मैंने मान लिया। साथ साथ दूध का काम भी कर रही हूँ। तुम रात को जल्दी सोया करो, आज हमने जल्दी आज हमने सोचा था कि आज हमें नहाते काम करने लग जाएंगे और शाम तक कंप्लीट हो जाएगा, अब तक स्टार्ट ही ना हुआ, कंप्लीट हो जाऊंगा। टीवी में घुस गए होगे तुम दोनों, शॉर्ट्स तो फिर मैंने कहा ठीक है ऐसे लेकर रख ली, दिल्ली काउंटर पे साइड में रख दिया, इतने गंदे मेरे को तो एक दिल्ली की लगी, पर याद रहता है इसको दिल्ली थी। डिनर वगैरह हो गया है, अब रसोई की सफाई चल रही है और बर्तन वर्तन धो रहे हैं, मैं बर्तन धो रही हूँ, दीक्षा रसोई की सफाई कर रही है। सीधी की रखो, दूध है वो दूध, दूध हाँ नीचे गिर गया, बच गया।
बहुत टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।